सई ने विराट को दी गई अपनी माफी को कहा उसकी खुद की जरूरत। थैंक यू। तुम नहीं जानती ये बात मुझे कहकर तुमने मेरे दिल से कितना बड़ा बोझ उतार दिया है। जब से तुमने मुझे एहसास दिलाया है कि उस वक्त मैं कितना गलत था, वो बात मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। थैंक यू सई, थैंक यू सो मच। विराट, तुम्हें माफ करके मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है। मुझे ऐसा करने की खुद बहुत जरूरत थी। पता नहीं कितने अरसे से मैं उस कड़वे पल में अटकी हुई थी जब तुमने मेरा साथ ना देके पत्रलेखा का साथ दिया था। नहीं जानना चाहता विराट सई की माफी की वजह, बस बढ़ना चाहता है सई के साथ अपनी जिंदगी में आगे। मैं सब कुछ भुला देना चाहती हूँ विराट। वजह चाहे जो भी हो, तुमने मुझे माफ किया ना, यही मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। सही है, सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ते ना सही। ये कड़वी यादें पीछे रखकर एक नई दुनिया की शुरुआत करते हैं, एक खूबसूरत दुनिया की जहां चैन और सुकून हो। सही, तुम्हारे साथ होता हूं ना तो हर चीज खूबसूरत लगने लग रही है। हाँ, सब कुछ खूबसूरत तो हो गया है, सब कुछ पहले से बेहतर। सई करेगी विराट से ये अपनी खुशी को शेयर कि अब वीनु उसे अपनी गार्डन एंजल मानता है। अब वो मुझे जादूगरनी नहीं मानता, मुझे अपनी गार्डियन एंजल मानता है। सिर्फ गार्डियन एंजल और डॉक्टर आंटी नहीं हो तुम, उसकी आई हो। सही, हम दोनों अगर साथ में आए तो वीनू को समझा देंगे, सब कुछ समझा देंगे उसके दिल में। सई ने वीनू की आई बनने से किया इनकार, कहा पाकी ही है उसकी आई। हमेशा तुम्हें आई कह के बुलाएगा, हमेशा। नहीं विराट, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो सई? क्योंकि मैं जानती हूँ वीनू के लिए उसकी आई, उसकी मम्मा सिर्फ और सिर्फ पत्रलेखा ही रहेगी और तुम उसके बाबा रहोगे। हाँ, पर वीनू के लिए उसका परिवार तुम दोनों हो और हमेशा तुम दोनों ही रहोगे। वीनू की जिंदगी में मेरी जगह तो सिर्फ उसकी डॉक्टर हांटी के तौर पर है और सिर्फ गार्डियन एंजल के तौर पर है। नहीं 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 सही, ऐसा ऐसा विराट प्लीज, मैं जो कहना चाहती हूँ मुझे कहने दो। मैं वीनू का परिवार कभी नहीं तोड़ूंगी, कभी भी नहीं।